इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है दी अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। लॉकडाउन यानी सब कुछ बंद, काम धंधे बंद, रोजगार बंद, यातायात बंद, शॉपिंग बंद, घूमना फिरना बंद, ऑफिस बंद, स्कूल बंद, तो समझो पढ़ाई भी बंद। सवाल, क्या एक अवधि तक किताबों से दूर हुए बच्चे जब वापस किताबों की तरफ लौटेंगे तो क्या उन्हें परेशानी नहीं होगी? क्या पढ़ाई में वे एकाएक ही मन लगा पाएंगे? ये वह सवाल है जो तमाम अभिभावकों को भीतर ही भीतर खाए जा रहे हैं। अभिभावकों की ये चिंता वाजिब भी है और इसी विकट होती नजर आ रही समस्या के समाधान के लिए द अध्ययन लेकर आए हैं एक नई व्यवस्था, ऑनलाइन पढ़ाई। यानी कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई बच्चे इंटरनेट के जरिए पूरी करेंगे और किताबों व पढ़ाई से वही नाता बनाए रखेंगे जो इस लॉकडाउन से पहले था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में संभवतः ये पहला विद्यालय है जिसने गूगल के माध्यम से इंटरनेट पर पढ़ाई की शुरुआत की है। इस बारे में फर्स्ट बाइट को विस्तृत जानकारी दे रहे हैं द अध्ययन स्कूल के निदेशक। आइए देखते हैं। आई एम प्रियांशु अग्रवाल, आई एम टेकिंग केयर of the management team of the Adhyayan School. I am Arisha Agarwal and I also support the management team. Priyanshu ji, aap jo naya concept leke aaye hain, iske bare mein thoda sa bataiye. Sir, lockdown ke turant baad hi se hi hamare paas hamare parents ke phone aane shuru ho gaye the. Unki chinta is baat ko lekar nirantar bani hui thi ki jo bacche abhi tak apni padhai mein excel kar rahe the उसको वापस बनाए रखने के लिए ऐसा क्या किया जा सकता है कि उनकी प्रैक्टिस जो उन्होंने अभी तक इतने सालों में करी है वो मेंटेन हो। लॉकडाउन तो 20 से हुआ था पर क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स 12 या 13 तारीख से सभी के ख़त्म हो गए थे तो वो तब से लेके छुट्टी पर ही थे। अब उनकी जिम्मेदारी इस बात की ज़्यादा थी कि बच्चे अपनी हैंड राइटिंग जो उन्होंने इतने समय की प्रैक्टिस से इम्प्रूव करी है वो मेंटेन रहे, या फिर उनका जो पढ़ाई का रूटीन था जो वो आज तक फॉलो करते आए थे जिसमें सुबह उठने से लेकर एक रूटीन को टाइम टेबल को फॉलो करना शामिल था वो बना रहे। तो हमें ऐसा लगा कि हमें इसके लिए कोई ना कोई काम ज़रूर करना चाहिए। पढ़ाई से ज़्यादा बच्चों को रूटीन में रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, जिसलिए हमने ऐसा सोचा कि हम अगर अपनी कोई ऐप डेवलप करेंगे तो शायद वो मोबाइल पर इतना बेटर ना चल पाए, क्योंकि आज भी सुविधाएँ ऐसी हैं कि सबके पास लैपटॉप की या कंप्यूटर की सुविधा तो नहीं है पर मोबाइल एक ऐसी चीज़ थी जो सबके पास थी। इसी चीज़ को करने के लिए हमने गूगल से बात करी, गूगल ने हमारी पूरी सहायता करी एंड हमें एक ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करी जिसमें हम पूरी टीचिंग की एक फैसिलिटी को बच्चों तक पहुंचा सकते थे। हमारी शुरुआत में सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि ऑनलाइन पढ़ाई केवल कुछ इस तरह के सिस्टम में ना रह जाए कि हम कुछ बच्चों को पेपर भेजें वो उसे पढ़ें और जवाब दें, जबकि जो हम क्लास में एक्सप्लेनेशन दिया करते थे वो भी निरंतर उनके साथ बनी रहे। तो उसे करने के लिए प्लेटफॉर्म हमें गूगल ने प्रोवाइड किया। क्या ये अध्ययन पहला सेंटर है जहां पर ये फैसिलिटीज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? सर, फैसिलिटीज तो मैं कहूंगा कि ज्यादातर काफी स्कूल्स कर रहे हैं पर सबका अपना देने का तरीका अलग अलग है। हम अगर मैं अपनी बात करूँ सर तो हमारे प्रक्रिया में सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे को जब तक कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक हम उसे कुछ भी दें उसका अर्थ नहीं होगा। तो हमारे प्रोसीजर शुरू ही यहाँ से होगा। हम सबसे पहले उसको जो भी चैप्टर देंगे उसको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। जब वो उसको समझ जाएंगे, जब हमें ऐसा रियलाइज़ होगा कि उसे समझ गए हैं, उसके बाद उनसे सवाल जवाब होंगे एंड उसके बाद उनसे किसी भी असाइनमेंट को करने की अपेक्षा रखी जाएगी। हम केवल असाइनमेंट बेस्ड काम ना कर हम अपनी वर्चुअल क्लासरूम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें एक डिफरेंस और है, जो बाकी ऑनलाइन स्टडीज़ चल रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हो रही हैं, जैसे कि जो हमारे कॉमन बात करने के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप, स्काइप और अदर वीडियो कॉलिंग की एप्लीकेशंस। पर हमें लगता था कि अगर ये लॉकडाउन बढ़ जाए तो हमें एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जिसे हम लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे कई सारे मौके आए जब हमारा स्कूल बंद था और बच्चे अपनी स्टडीज़ में पीछे हो रहे थे।
तो इसीलिए गूगल बीइंग अ वेरी बिग ब्रांड इट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी कोलैबोरेट. तो जैसे हम ये ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे कि हम अपने घर से बच्चों के घर तक कैसे पहुँचें, इस गैप को कैसे ब्रिज करें, सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम में हम कैसे अपने बच्चों से कनेक्ट करें, सो इट वॉज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टेक असिस्टेंस फ्रॉम अ वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म. एंड आई डोंट बिलीव दैट देर वॉज एनी अदर बेटर प्लेटफॉर्म देन गूगल क्लासरूम टू डू द सेम, बिकॉज द अदर्स could get into errors, but Google being such a well established brand, we were always and always getting support from Google at even like just with a heck of a second they used to reply. They had even help us build with options which were not prevalent in the software, so there was great assistance which we got from Google for this, and this is how it is different from the other online platforms. अभी देखा जा रहा है कि कुछ स्कूल अन्य स्कूलों ने भी कुछ ऐसे ही ऑनलाइन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे हमारा किस तरह से डिफरेंट है? जैसे कि मैंने अभी कहा, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस गूगल प्लेटफॉर्म का है. गूगल प्लेटफॉर्म और दूसरे स्कूल्स में यूज नहीं हुआ है, प्लस हमें अपने फोन में कई तरह की एप्लीकेशंस डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है. कनेक्ट करने के लिए हम एक सिंगल एप्लीकेशन से अपने असाइनमेंट भेज सकते हैं, अपने टीचर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, सारे लेक्चर्स जैसे कि स्कूल में अटेंड करते थे उसी तरीके से हम सारे लेक्चर्स अपनी स्क्रीन पर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो देख सकते हैं. इतना ही नहीं, हमारे बहुत छोटे बच्चे भी जो किंडरगार्टन के हैं वो भी हमें अपने असाइनमेंट्स भेज रहे हैं अपने पेरेंट्स की मदद से. इसी तरह से मुझे लगता है कि बाकी और एप्लीकेशन से ये काफ़ी अलग है. बच्चों के दिमाग में जो कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्या उनका उसी समय जवाब मिलेगा उनको या कुछ समय बाद? बिल्कुल, क्योंकि ये एक लाइव क्लास है तो उनका जवाब उन्हें तुरंत मिल जाता है. ये एक ऑडियो के थ्रू होता है, जैसे कि टीचर का ऑडियो जब हमें सुनाई देता है तभी बच्चे रिप्लाई करके कमेंट सेक्शन में उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनकी क्वेरी तभी सॉल्व हो जाती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोग आपस में कनेक्ट रहेंगे. बिल्कुल. क्या ये एक वर्चुअल क्लास हुई? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक वर्चुअल क्लास, एक ब्रिज है जो कि स्कूल और घर के बीच में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. क्या इस व्यवस्था को लॉकडाउन के बाद भी जारी रखा जाएगा या केवल ये लॉकडाउन तक ही सीमित रहेगा? मुझे लगता है कि ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम इसे थ्रू आउट कंटिन्यू करना चाहेंगे. जैसे कि हमारी समर ब्रेक भी होती हैं तो हम अपने बच्चों से हमेशा कनेक्टेड फील करेंगे अगर हम इस प्लेटफॉर्म को इन छुट्टियों के दौरान भी या जब भी कोई छुट्टी होती है इसे आगे कैरी फॉरवर्ड करें. इसमें ना अंकल, हमने ये सोचा है कि अभी तक तो केवल हिंदी इंग्लिश मैथ तक सीमित है. अब जैसे आने वाले समय में अगर आपको कोई एक स्पेशलाइज क्लासरूम चाहिए जिसके अंदर कोई ऐसा सब्जेक्ट इन्वॉल्व है जैसे फैशन टेक्नोलॉजी जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता है बट बच्चे को उसे पढ़ने में उसकी एंग्जाइटी है, तो वो हमारी एप्लीकेशन को ज्वाइन करेगा ताकि हम उसे फैशन टेक्नोलॉजी या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कोई ऐसे ऐसे कोर्स जो एक्चुअल में करने मुश्किल है, हम उनका भी एक इसमें प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे. इसी तरह से हम पूरे इंडिया से लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं जो हर फील्ड के बेस्ट लोग हैं, उनकी एक वर्कशॉप हम ऑनलाइन कराना चाहते हैं, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं कि वो हमारे बच्चों से मिलने मेरठ तक आए, बट हम उन्हें एक वर्चुअल क्लास के थ्रू जो हर फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं लोग, ऐसे लोगों से हम बच्चों को मिलवा सकें. और कंटिन्यूसली जो बच्चे अकेडमिक्स में अच्छे नहीं हैं उनकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि हम हर वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए पॉइंट्स भी देते हैं बच्चों को उन रेलेवेंट सब्जेक्ट में. तो मुझे लगता है कि बच्चे इससे और मोटिवेट होंगे, फील्ड्स एक्सप्लोर करेंगे, ना कि जो पहले समय में होता था कि मम्मी पापा ने जो सब्जेक्ट बोल दिया हम वो ले लें. पर हम सब्जेक्ट लेने से पहले चाहते हैं कि वो पूरी तरह उस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करें, समझें और तभी अपने करियर का डिसीजन दें. और हम बल्कि ये भी चाहेंगे कि आपके माध्यम से जो लोग हमें सुन पा रहे हैं,
अगर उनके पास कोई एक ऐसी टैलेंट है जो वो बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, या उन्हें लगता है कि इस वाले टैलेंट को अगर वो बच्चों के सामने प्रकाशित करेंगे तो बच्चे उस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, तो वो हमें लिख भी सकते हैं, हमें अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं, ताकि हम उनसे संपर्क साध सकें और आने वाले समय में अपनी आप को और बेटर कर कर उसमें वो सारी सुविधा जोड़ पाएँ, जिससे केवल अकेडमिक ना होकर हमारे बच्चे हर फील्ड में जिसमें भी वो जाना चाहते हैं उसमें एक्सेल करें। मेरी एक रिक्वेस्ट और है आप सबसे जो हमें देख रहे हैं, हम और हमारी पूरी अध्ययन टीम निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि हम कुछ नया करें। हम अपने जो भी हम नया करते हैं उसकी छोटी छोटी क्लिप्स, उससे जो हम बेस्ट फाइंड हमारी बेस्ट फाइंडिंग्स होती हैं वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड इवन ट्विटर। तो प्लीज़ आप हमारी एक्टिविटीज़ को वहाँ पर एक बार देखें और बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाएँ। थैंक यू।